हम दल बल तन मन धन से कंवर सिंह प्रधान जी के साथ हैं और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि यहाँ क्षेत्र से MLA के रूप में हम इनको देखना चाहते हैं। माजा कला तक पानी जो गया है, माजा खुर्द होते हुए, इसमें इन्होंने पूरे 3 दिन में पैदल पैदल यात्रा की, जंगलात के अंदर से अधिकारियों के साथ लेकर के। बाकी दिल जुड़ चुके हैं, दल अपने आप बन जाएगा, जनता कहेगी भाई कंवर सिंह ये सारी सरगम गाएगा। आएंगे तो इलेक्शन क्या सिलेक्शन ही कर देंगे हम तो इलेक्शन विलेक्शन कुछ नहीं, सिलेक्शन सुधा है। इससे सुनहरा अवसर और इससे अच्छा इंसान 2024 में तो हो नहीं सकता, आगे के लिए जी बता दे सकते। दिवाली के शुभ अवसर पर हम किसी को मतलब गलत तो बता नहीं सकते गलत बताएगी तो 2024 बताएगी, किसको गलत बताना है किसको सही बताना है। आज तो ये है कि जी भाई कंवर सिंह शुभकामना दिवाली के ऊपर शहरवासियों को देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोगों का दिल जोड़ते हैं, दल अपने आप जुड़ जाएंगे और ये बहुत बहुत ढेर सारे मुबारक भाई साहब कंवर सिंह। अब कुछ ही देर में बाजार के अंदर चलने वाले हैं और सब भाई इकट्ठा हो रहे हैं, सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। कितने दिल जुड़ गए? क्या जी भाई, कितने दिल जुड़ गए? आप कह रहे ना कि बहुत सारे दिल जुड़ चुके हैं। मैं गिनती नहीं कर सकता जी, मेरे अच्छा। पास गिनती की कोई संख्या नहीं है। अच्छा, जुड़ते ही जा रहे। हाँ, कईयों को दिखता नहीं है दिल जुड़ना, तो वो अलग बात है। अच्छा, बाकी दिल जुड़ चुके हैं, दल अपने आप बन जाएगा, जनता कहेगी भाई कंवर सिंह ये सारी सरगम गाएगा। ये दिल क्यों जुड़ रहे हैं इतने, क्या कारण है कि इतने दिल जुड़ रहे हैं? पता नहीं, लोग कहते हैं कुछ न कुछ तो कर रहे हो। अच्छा क्योंकि इनके ऊपर एक भावना जी बन, एक सिंपल आदमी है। हाँ। हम नेता नहीं, हम तो अपना भाई माना ही न, लगभग सभी जनता लोग कहते हैं भाई मारो बेटो से, मारो भाई से, और यो तो भाई न समझ ले कि अपने जितने भी खुशी हो गम हो लगभग सबके साथ रहे है। और हमने तो ये भी पता चल रहा है भाई भाई साहब के नाम से जा रहा है जी, बुलाए भी कोले, हम तो अपना आप ही चले आया सारा जनता लगभग। अच्छा, कि भाई साहब का हिम्मत बढ़ाओ और अपना शहरवासियों ने दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दें, इसलिए हम भाई का साथ सा, भाई कितने भी ले जाए बुढ़े त्यार सा, त्यार सो इलेक्शन में तैयार हो। इलेक्शन तो वो तो देखो जी अगले माहौल है, वो पार्टी चाहेगी और सब लोग चाहेंगे तो इलेक्शन क्या सिलेक्शन ही कर देंगे हम तो इलेक्शन विलेक्शन कुछ नहीं, सिलेक्शन सुधा है। अच्छा, और भाई साहब सब चाहूंगा या तो दिला की आवाज से, ये न तो नेतागिरी करते ज्यादा और न ही कोई भारी दिखावा करते है। देख लिए दिखाना एक बार चेहरा भाई साहब का, ये कोई नेता वाले कपड़ा नहीं पहनते, माला वाला कोई टोपी टापी फलाना दिगड़ा, ये सिंपल रखते हैं, इनकी पहचान काम है। और ये आज नहीं, बहुत पुराने, हम तो जन्म में नहीं आते, जहाँ से पहले से राजनीति में लगे हुए हैं और लोगों को बहुत ज्यादा फायदा करता है जी। महेंद्रगढ़ में कई सालों से विकास नहीं हुआ है, अब सिलेक्शन की मतलब आप बात कर रहे हैं तो क्या विकास करवाओगे आगे? देखो दिवाली के शुभ अवसर पर हम किसी को मतलब गलत तो बता नहीं सकते अच्छा। गलत बताएगी तो 2024 बताएगी, किसको गलत बताना है किसको सही बताना है। और ये
भाई साहब एक बार मारा कहना याद जोड़ना चाहिए खड़ा बोलने ठीक है फिर हम दिखा हमारो जज्बो के है मतलब फुल सपोर्ट है फुल सपोर्ट हॉट सपोर्ट हॉट सपोर्ट फुल सपोर्ट नहीं हॉट सपोर्ट अच्छा अच्छा धन्यवाद जी 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 तो यहाँ और साहब बैठे हैं जी क्या कहोगे आप यहाँ पर आए हम तो एक ही बात कहें जी कंवर सिंह यादव आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं पूरी जनता के साथ है तन मन धन से साथ है तन मन धन से साथ है और जी साहब आप क्या कहोगे अब तो यही कहेंगे जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ साथ है मतलब सारे साथ ही हैं जी भाई जी हम अपने जिला का एमएलए मान चुके हैं अच्छा जिला का एमएलए मान चुके हैं हेलो जी जनाब क्या कहोगे कंवर सिंह जी के बारे में जी सबसे पहले यहाँ उपस्थित क्षेत्र के सभी साथियों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके उपरांत पिछले हम देख रहे हैं एक दशक से भी ज़्यादा समय से कंवर सिंह जी क्षेत्र में लोगों के साथ दुख सुख में और सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और लोगों के छोटे मोटे जब काम जो होते हैं तो बुलाने पर तुरंत लोगों के पास पहुँचते हैं और अपने तहे दिल और इच्छा से बहुत अच्छे ढंग से क्षेत्र को जो है ना कार्य में लगे हुए हैं क्षेत्र की जनता चाहती है और हम स्वयं भी चाहते हैं कि ऐसा नवयुवक आगे आए और क्षेत्र के लोग उनका तन मन धन से सहयोग देकर उनको विधानसभा तक पहुंचाएं ताकि हमारी बड़ी समस्याओं को आगे सुलझाने में सक्षम हो सके और हम इनका पूरा भरपूर एकदम तहे दिल से तन मन धन से साथ देंगे या आगे उनकी मर्जी है चुनाव लड़ें किस प्रकार लड़ें कौन सा लड़ें चुनाव के क्षेत्र में भी आगे रहेंगे चुनाव नहीं लड़े तो भी ये जिस प्रकार हमारी सेवा और कार्य करते रहे हैं हम इनके साथ और इनके विचार लेकर आगे कार्य करेंगे आप सभी का एक बार पुनः मैं धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ आप सबका बहुत बहुत आप लोगों को सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आज दीपावली के शुभ अवसर पर सभी साथियों के सहयोग से प्रधान जी के नेतृत्व में बाजार के सभी उनसे गुजरते हुए सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देंगे ये हमारा आज का कार्यक्रम है मीडिया के माध्यम से और छोटे बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आज इस पावन पर्व पर मेरे छोटे बड़े भाई चाचा ताऊ जितने लोग हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो इस इतने पावन पर्व पर अपने इम्पोर्टेंट कामों को छोड़ के साथ आए हैं कंवर सिंह प्रधान जी के साथ सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से और हम दल बल तन मन धन से कंवर सिंह प्रधान जी के साथ हैं और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि यहाँ क्षेत्र से एमएलए के रूप में हम इनको देखना चाहते हैं और मैं माँ लक्ष्मी से आग्रह करूँगा इस पावन पर्व पर कि इतनी शक्ति और प्रदान करें इनको क्यों देखना चाहते हैं एमएलए के रूप में भाई साहब सबसे पहले तो ये नेता नहीं आम आदमी है नेता न होते हुए और हमारे क्षेत्र से हैं हमारे बीच से हैं न कि गुड़गांव से दिल्ली से हैं आप आधी रात को भी फ़ोन करो रात के 12 बजे भी फ़ोन करोगे आपका फ़ोन अटेंड होगा काम हो न हो वो बाद की बात है लेकिन फ़ोन आपका ज़रूर अटेंड होगा और आज तक हमारा कोई भी नेता इस क्षेत्र से इस यहाँ लोकल से नहीं बने तो ये लोकल हाँ जी लोकल चाहिए मतलब हाँ जी लोकल भारी नहीं चाहिए हाँ जी भारी नहीं चाहिए जो यहीं का हो यहीं पर रहे यहीं पर काम करे लोगों की समस्याएं सुने समाधान करे तो आपके विधायक जैसे बाहर रहते हैं इस बात पर कह रहे हो आप हाँ जी बिल्कुल यहाँ मतलब इसी वजह से विकास नहीं हो पा रहा हाँ जी बाहर का तो जी बहुत फर्क तो है आप जिस क्षेत्र में रहोगे तभी तो वहाँ का प्रॉब्लम पता चलेगा आप अच्छी कोठियों में रहोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जनता किस हाल में रह रही है आम आदमी के साथ क्या हो रहा है ये पता नहीं चल पाता कैसे पता चलेगा जब आप एसी में सो रहे हो तो आपको कैसे पता है कि लावणी कैसे होती है सही बात है तो चेयरमैन साहब करने वाला ही बता सकता है कि भाई लावणी में क्या दिक्कत है क्या परेशानी आती है कैसे तो कंवर सिंह जी मतलब सही है क्षेत्र के ही है क्षेत्र में रहते सही नहीं इससे सुनहरा अवसर और इससे अच्छा इंसान 2024 में तो हो नहीं सकता आगे के लिए जी बता दे सकते आज हम सब यहाँ कंवर सिंह जी हम सबको दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं इसलिए इकट्ठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि
एक इन्होंने विकास जो किया है ना, मतलब विकास मैं मानता हूँ, जब डोहान नदी की बात थी तो मेरे गांव तक जो पानी आया उसमें कंवर सिंह जी का बड़ा अहम योगदान रहा। माजा कला तक पानी जो गया है, माजा खुर्द होते हुए, इसमें इन्होंने पूरे 3 दिन पैदल पैदल यात्रा की, जंगलात के अंदर से अधिकारियों साथ लेकर के भी, जो आज तक जाके नेता ने सोचा भी नहीं था मान लो, तो अपने आप में वाटर लेवल को ऊपर लेके आना बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ इनकी मैं। और इसके साथ साथ इन्होंने अनेक गाँव ऐसे हैं जिन्होंने पाइपलाइन डलवाई है और लोड भी करवाई है, ठीक है, इसलिए अब 2024 में इनको मौका मिलेगा और हो सकता है तो पार्टी इनको टिकट भी दे देगी। टिकट मिलने बाद तो जीत निश्चित ही है जी शोर। और प्रधान जी कहते हैं कि चुनाव होगा 101%, टिकट मिल गई तो बहुत अच्छी बात है ना, निर्दलीय भी। नमस्कार कौशिक भाई, हमने खैरोली ने और 104 गाँवों ने तय कर लिया है कि अब की बात भारी बहुमतों से कौर सिंह को जिताएंगे। हर व्यक्ति के मन में कौर सिंह ही छा रहा है, क्योंकि दान सिंह और रामविलास को दुनिया ने देख लिया, 45 सालों से 40 सालों से राज किया, कुछ भी काम नहीं किया, एक बार आते हैं पैर पकड़ते हैं 5 साल भूल जाते हैं, आदमी जो डायरेक्ट भी मिलता है उनको भी नहीं पहचान। प्रधान जी हर व्यक्ति से, हर व्यक्ति का चाव है ओनली कौर सिंह प्रधान जी, नेक्स्ट MLA हमारे महेंद्रगढ़ के कौर सिंह प्रधान जी। आप यहाँ पर आए क्या कहेंगे? यहाँ पर आए हैं, प्रधान जी ने कुछ को कहा, कुछ हम भी कह रहे थे कि आप सब साथ चलें, दिवाली की शुभकामनाएं बाजार में दें, और मैं नहीं या सारा इलाका ही चाहता है, काफ़ी दिन से 8-9 साल से ये लोगों के दुख सुख में प्रधान जी लगे हुए हैं, तो सभी लोग पिछली बार भी कह रहे थे कि प्रधान जी चुनाव लड़ो, प्रधान जी चुनाव लड़ो, तो पिछली बार प्रधान जी ने चुनाव नहीं लड़ा, तो अब की बार पूरी तैयारी है। सबसे पहले तो पार्टी से प्रयास है, अगर BJP से टिकट मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो प्रधान जी को हम भी कह रहे हैं कि आपको अब की बार आपको अवश्य चुनाव लड़ना चाहिए। शरीफ ईमानदार आदमी है, हर जितना इनसे बनता है, इनके पास कोई ज़्यादा बड़े पद तो नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक होने के तौर पर ये सबके कार्य करते हैं, सबके साथ रहते हैं, यहाँ बाज़ार में रहते हैं, यहाँ सबसे मेन बात यह है बाज़ार के बीच में रेजिडेंस है। अब तक किसी भी विधायक का यहाँ बाज़ार में कोई रहता भी है दाएँ बाएँ तो वो जीत कर फिर यहाँ नहीं आता, तो अच्छे भले आदमी हैं, इनको चुनाव लड़ना चाहिए। मेरी राय और ये साथ जो आए हैं लोग, इन सब की यही राय है कि प्रधान जी को चुनाव अवश्य लड़ना चाहिए। कंवर सिंह को जो भाई जानता है, कंवर सिंह भाई का एक ही उद्देश्य है, पार्टी का वफादार BJP का कार्यकर्ता है, और जब ये जिला अध्यक्ष थे तो शायद ये जितने भी लोग बैठे हैं, मैं तो शायद कोई काम करवाने के लिए आया नहीं आया, लेकिन सारे दिलों से बैठे हैं, और कंवर सिंह भाई का स्वभाव है ना, इस स्वभाव के कारण ये हम सब साथ हैं। इनके पॉलिटिकल ग्राउंड के हिसाब से साथ नहीं है, इनका स्वभाव है, और इस स्वभाव के अनुसार, क्योंकि यहाँ हमें आदर मान सम्मान मिलता है, चाहे हम पानी पियो और चाहे ईंधन पियो, हमें ये सम्मान देता है, और हम सम्मान के भूखे हैं, हमें मरना है, हमें राजनीति नहीं करनी है, न हमारा कोई राजनीति से मतलब है, हम एक वोटर हैं और मालिक के दया से वोटर रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कंवर सिंह भाई एक एक व्यक्तित्व है, इनका एक सामाजिक स्टेटस है, और जिस प्रकार से इनका स्वभाव है, स्वभाव से हमारा लगाव है और लगाव से हम साथ हैं, और इस बात से ये कंवर सिंह भाई जाने भाई टिकट टाकट तो सरकारों का काम है, हमें तो एक वोटर है और हम कहते हैं कि हमें वोटर की तरह रहना है, लेकिन दिल से हम साथ हैं, इसलिए साथ है कि इनका स्वभाव ठीक है, यहाँ हमारा सम्मान होता है, हम अपने सम्मान के इज्जत का हमारा स्वाभिमान को ये ठेस नहीं पहुँचाते हैं, इसलिए हम साथ हैं, और ज्यादा क्या कहूँ, सरकारों का सबको बहुत बहुत धन्यवाद बस। भाई कंवर सिंह आ गया बेटा, हमारे साथ है भाई, आवाज हल्की आई थोड़ी सी, एक बार फिर जोर से, भाई कंवर सिंह आ गया बेटा, हम तुम्हारे साथ है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ दिवाली, शुभ दिवाली, शुभ दिवाली।
बाजार के अंदर बाजार के सभी व्यापारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे और ये टीम जो बैठी है इस टीम को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जब भी आप लोगों को निमंत्रण दिया है, जब भी फोन से या व्यक्तिगत तौर से, आप सभी ने बड़ी ताकत से बड़ी हिम्मत बधाई है और आज दिवाली के इस पावन पर्व पर मैं सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं और एक ही निवेदन करता हूं। देखिए, राजनीति में बिना जब तक आगे आदमी नहीं चलता है कोई पूछता नहीं है। मेरे को कहने लगे कि प्रधान जी ये कह रहे कि चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं आपको आज इस अवसर पर, आज दीपावली का दिन है, आपको एक ही भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, षड्यंत्र भी लोग करते हैं, चुनाव नहीं लड़ेगा। राजनीति के अंदर प्रजातंत्र के सब व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और आप जैसी टीम, आप जैसे साथी, मजबूत साथी, सभी सरपंचों ने जो सहयोग दिया है, जो हिम्मत बढ़ाई है, बीडीसी के मेंबर सभी साथियों ने जो हौसला बढ़ाया है, मैं आपको पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार 2024 का चुनाव आपके सहयोग से, आपके समर्थन से यहाँ से, क्योंकि कई बार होता है कि हम इकट्ठे होते हैं, ताकत देते हैं और फिर बिखर जाते हैं। सभी साथ बाजार से इधर से होते हुए सिर्फ आधा घंटा हम बाजार में चलेंगे सभी व्यापारी साथियों को, क्योंकि व्यापारी भी आप लोगों से बड़ी उम्मीद रखते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप लोग बीच में आए, सामने आए। और जब तक लोगों के बीच में नहीं जाओगे, उनकी बात को नहीं सुनोगे, जब तक कोई भी आदमी आपसे उम्मीद नहीं करेगा। तो आप इतना कीमती समय निकाल कर आए हैं, अपना समय निकाला, त्यौहार का दिन है, एक आधा घंटा मोटरसाइकिल यहीं खड़ी कर दे और एक बार बाजार में होते हुए आधा घंटा सबका एक मुबारकबाद देकर, शुभकामनाएं देकर चलेंगे। और यही मैं आपसे पूरा भरोसा और विश्वास था, आपने इस भरोसे को कायम रखा। मैं आपसे तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और एक बात आपको कहना चाहता हूं, आपके लिए जो भी, जब भी आपको महसूस है, मैं 24 घंटा आपकी हाजिरी में खड़ा रहूंगा, कभी भी आपको निराश नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप वाली ताकत है मेरे पास, इसके सिवा कोई ताकत नहीं है। लोग कहते हैं कि टिकट के लिए भाई आगे पीछे घूमना चाहिए, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के ताकत के कारण सब काम ठीक होगा और एक ऐसा समय आएगा उस समय जब जिम्मेवारी मिलेगी, सबसे पहले आप लोगों की जो सेवा करने का अवसर मिलेगा। आज इस अवसर पर मैं यही बात कह सकता हूं, आप आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि अपने इधर से मस्जिद की साइड से होते हुए और आज़ाद चौक पर चलेंगे और उसके बाद में सब अपने घर चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।